हे गाइस, हिटमैन स्नाइपर दिस शैडो, उसको आज हम खेलने वाले हैं। आई होप आप सभी एक्साइटेड हैं, मैं तो काफ़ी ज़्यादा हूँ। और मैंने इसको थोड़ा बहुत ट्राई किया है, इसलिए ये यहाँ पर सारी चीज़ें थोड़े से जो रिवॉर्ड्स वगैरह हैं वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है ट्यूटोरियल और ICA ट्रेनिंग है, जिसको मैंने कम्प्लीट किया है। और लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको ट्राई करते हैं, देख लेते हैं कैसा होने वाला है। यहाँ पर हमारे पास दो कैरेक्टर होने वाले हैं, जो कि एक नाइट है और एक होने वाला है ये, जिसको मैं इसमें अभी ट्राई नहीं कर सकता। तो नाइट के साथ ही हमें जो ट्रेनिंग है उसको स्टार्ट करना है। और यहाँ पर हिटमैन का नाम सुन के एक चीज़ आता है कि यहाँ पर एजेंट 47 होने वाला है ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ पर इसमें कुछ अलग है। एजेंट 47 जो कि है वो नहीं होने वाला, जिसकी वजह से एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी दुनिया पर काबू करना चाहता है, और उसको रोकने के लिए बनाया गया है दिस शैडोज, जो कि हैं हमारी ये कैरेक्टर्स का एक ग्रुप है इनका मतलब। सो उनका काम है जो वही काम है जो सेम एजेंट 47 करता था, मतलब कि छुप के अपने दुश्मनों को खात्मा करना और अपने आइडेंटिटी छुपा के रखना हमेशा। चलो स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल को। लॉस के अंदर होने वाला है, छोड़ो इन सारी चीज़ों को पहले। तो यहाँ पर मेरे पास स्किल है जिसके ज़रिए मैं अपने एनिमीज के जो नंबर्स हैं उनको काउंट कर सकता हूँ। यहाँ पर दो एनिमीज हैं, फर्स्ट के ऊपर स्कोप करते हैं और यहाँ पर 8.5 पैक्स तक मैं इसको जूम कर सकता हूँ, जो कि शुरुआती टाइम पे 8.0 का था, मतलब कि स्कोप का जो जूम करने की कैपेसिटी। तो यहाँ पर मैंने इसको किल कर दिया और यहाँ पर इसको हेडशॉट लेना है तो इजीली हो जाएगा। पर इसमें एक परेशानी था कि मैं इसमें स्कोप मूवमेंट नहीं कर सकता था, और ये हमारे ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आपको अपना जो स्कोप है उसको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ जो एनिमी है उसके ऊपर टारगेट करना है। सो इसको माइलस्टोन को कम्प्लीट कर लिया है और यहाँ पर हेडशॉट एक्सपीरियंस की तरफ मूवमेंट करना है, जो कि हमारा स्पेशल एबिलिटी है जो नाइट का है उसका। और उससे एबिलिटी की सबसे अच्छी बात क्या है, बस अ कॉन्ट्रैक्ट यू कैन यूज़ यूअर स्पेशल एबिलिटी फॉर रिक्वायर किल एंड अ हायर स्कोर, गुड लक एजेंट। ओके, तो ये रहा। और इस एबिलिटी की सबसे खास बात ये है कि एक साथ कई टारगेट्स को हेडशॉट कुछ ऐसे मार सकता है। और ये एबिलिटी इतना खतरनाक है कि रनिंग एनिमी को भी हेडशॉट मार देता है। एक्सपीरियंस है, वेल डन एजेंट, द यूज ऑफ योर स्पेशल एबिलिटी अलाउ यू टू रीच द सेकंड स्कोर माइलस्टोन। ओके, तो यहाँ पर शायद हमारा जो मिशन है वो कंप्लीट होने वाला है, नहीं ये लास्ट होने वाला है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं और ये थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। तो सबसे पहले तो ऊपर में कितने सारे दो बंदे हैं यहाँ पर खड़े होके देख रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उनका यूज़ मैं उनको किल करने के लिए कर सकता हूँ, जिससे एक्सीडेंटल किल दिखाया गया है। सो ये रहा, सिट, मैं इसका यूज़ किसी और चीज़ की तरह से करना चाहता था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नहीं मेरे को इनको डायरेक्टली किल करना होगा, फिर तो इनको रहने देते हैं अभी के लिए। वाला उस वाले इसको मैं पीछे धक्का दे सकता हूँ। सो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर जो मेरा स्कोप है ना 8.5 का दिखा रहा है अभी, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा प्ले किया था और प्लेयर से प्लेयर प्ले करने के बाद कुछ रिवॉर्ड्स मिले थे, जहाँ पर मैंने एक स्कोप को चेंज किया इसका स्नाइपर का। तो जब फर्स्ट टाइम आप ट्राई करेंगे तो आपको 8.0 का स्कोप मिलेगा, उसमें कुछ अपग्रेड मारने के बाद ये हो जाएगा 8.5 का। तो पहले इसको हेड देता हूँ ज़रा, बस मूवमेंट करना रुक जाए बस ये। और जो घास के अंदर है ना वहाँ पर छिपा दिया बॉडी मैंने, बस परफेक्ट, अब किसी को दिखेगा नहीं, इससे पैनिक नहीं होगा। यहाँ पर इनको किल करूँगा तो परेशानी हो जाएगा, ऊपर वाले को दिख जाएगा। सो पहले ऊपर वाले को निपटाते, दोनों को एक साथ किल करेंगे, ख़त्म। यहाँ पर तो इनका ख़त्म हो गया, नीचे चलता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है,
सो मैंने इसको एक बार किया है तो मैं दोबारा भी कर सकता हूँ, परेशानी नहीं। बस इनको यहाँ पर बुलाना है, यहाँ पर आने के लिए इनको फोर्स करना है। चलो अब आएंगे और फिर यहाँ पर रेंज पे आ जाए। यस, एक्सीडेंटल किल, कोई सबूत नहीं। और यहाँ पर फायर पीट को यहाँ पर मैं शूट कर दूँगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा, सभी के सभी जल फूल के राख हो गए। सो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज काम किया है क्योंकि मैंने इसको पहले ही, मेरे को एक बार एक्सपीरियंस है इसको करने का, कंप्लीट करने का, तो कोई परेशानी नहीं हुआ ज़्यादा। ग्रेट वर्क इज द आई सी विल बी प्लेस्ड विथ यूर प्रोग्रेस नाउ इट्स अप्लाई वाट यू आर लर्न इन यूर फर्स्ट ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट एज अ मेम्बर ऑफ इनिटेटिव 426। ओके, अभी तक ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका, अब यहाँ पर से असली कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होता है। और सभी चीज़ों को मैंने बिल्कुल सही तरीके से किया है तो कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर ये चीज़ बोल रहा था कि फर्स्ट में आपको काइट मिलेगा और बाकी सारे ये जो बचे हुए कैरेक्टर्स हैं वो आगे चल के मिलेंगे हमको। प्लेयर वाले से प्लेयर मोड भी है यहाँ पर, बट मैं इसको छोड़ना चाहूँगा, दूसरी चीज़ों को ट्राई करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट में ना थोड़ा सा स्टोरी भी चलता है, जिस जो कि यहाँ पर सेकंड टाइम नहीं चल रहा है। मतलब मैंने इसको अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल किया था ताकि आपको स्टोरी दिखा सकूँ, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर डायरेक्टली मेरा जो अकाउंट है ना क्लाउड के अंदर सेव हो रहा है, तो क्लाउड सर्विस के अंदर मैं जीरो से इसको दोबारा से स्टार्ट नहीं कर सकता। मेरे को जहाँ पर तक मैंने पहुँचा है वहीं से मेरे को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। हाँ, कैंपेन वगैरह पे यहाँ पर डाउनलोड एमल की जो लेवल्स हैं उनको दोबारा कर सकता हूँ मैं। एक ही मिशन को हम बार बार भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है इसमें, थोड़ा सा डाउनलोडिंग लेगा यहाँ पर। सो हमारा जो सेकेंड मिशन होने वाला है वो कनाडा के अंदर माउंट रिस्टोन पे होने वाला है, देखते हैं। बोनस ऑब्जेक्ट काफ़ी सारे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट से कंप्लीट करते हैं। ओके, काइट है और यहाँ पर है ये पावर जो इसका ज़्यादा है, इसका थोड़ा कम होने वाला है, इसका ज़्यादा है क्योंकि एक्सपीरियंस मैंने इसको प्लेयर से प्लेयर में ट्राई किया था, लेकिन रैंक इसका सेकंड का है और इसका थर्ड का है, लेकिन कोई परेशानी नहीं। पावर और बाकी सारी चीज़ें इसलिए ज़्यादा दिखा रहा है क्योंकि जो इसका स्नाइपर है ना उसमें ज़्यादा बेटर इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं कंपेयर टू स्टोन के, लेकिन मैं स्टोन के साथ यहाँ पर ट्राई करूँगा। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है, तो स्टोन के साथ ट्राई करने वाला हूँ फर्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव, ओके। बोनस ऑब्जेक्ट्स हैं बॉडी डिस्पोजल की तरह, एक्सीडेंटल दिखाना होगा किल्स को और बॉडी डिस्पोजल की तरह उसको यूज़ करना है मेरे को विन का, पर कैसे देखेंगे। हेड सिक्योरिटी गार्ड को किल करना है और सिक्योरिटी, ओके जो भी है। ऑब्जेक्ट्स कितने हैं टोटल यहाँ पर है, 5 एनिमीज हैं। ऑब्जेक्ट्स का यूज़ मैं कैसे करूँगा इसका, यहाँ पर इनका यूज़ वेन डोर, कोई आसपास वो तो नहीं है, लेकिन ये आ रहा है बॉडी डिस्पोजल की तरह इसका यूज़ करूँगा, थोड़ा सा और आगे आने दें ताकि उसको साउंड आ जाए इस चीज़ का और वो यहाँ पर आ जाए। ओके, सो ये परेशानी है उसके लिए, उसके आने के लिए। ओके, मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, ये आएगा क्या? ओके, आगे आ जाए थोड़ा सा और रिपोर्ट कर देता हूँ। अब मेरे को इसको टारगेट करना चाहिए था जब ये यहाँ पर पहुँचे था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, इसका यूज़ करता हूँ ना इसको यहाँ पर थोड़ा साउंड करने के लिए। ओके, अब ये जाएगा या नहीं जाएगा? ये वो तो कहीं पर और मूव हो गया। ओके 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 ओके, कोई परेशानी नहीं है, मैं इसके साथ ये इसको ब्लास्ट कर सकता हूँ। एक्सीडेंटल, ओके, उसको कुछ भी पता नहीं चलने वाला कैसे ये हुआ।
सी देखता हूँ, इसको यहाँ पर मैं गिरा सकता हूँ स्टैचू को। तो मैं पहले इसको यहाँ पर वो कर देता हूँ, जरा बुलाता हूँ। अरे यहाँ पर आना, यहाँ पर कहाँ, वहाँ पर देख रहा है, पागल है ये भी। इसका यूज़ करके बट नहीं, तो उसको डिस्पोज करना है ना, डिस्पोजल मतलब कि वहाँ पर डालना है मेरे को, थोड़ा सा वेन के अंदर डालना है इसके बॉडी को। बट कैसे इसको अगर साउंड करूँ तो आएगा क्या? वो आ ही नहीं रहा यहाँ पर। शिट, चलो इसका देखता हूँ यहाँ पर क्या किया जा सकता है। ओके ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस यहीं पर खड़े हो जा। लगा झटका 440 वोल्ट का, ये ख़त्म। चलो ये तो हो गया, और ये देखते रह गया, ये कुछ इसने कुछ किया नहीं। चलो मैं इसको वेन के पास लाने की कोशिश करता हूँ। इसको इजीली मैं यहाँ पर किल कर सकता हूँ, यहाँ पर किल कर सकता था, लेकिन नहीं, इसको वेन के पास बुलाना चाहता हूँ। मैं इसको वेन के पास बुलाना चाहता हूँ, बट कैसे, यहाँ पर इसको ज़रा साउंड करता हूँ। क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन? आ जाओ यहाँ पर आओ। आया 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 आया, चल आ जा। किल करूँगा तो भी वहाँ पर नहीं जाएगा उड़ के वो, जब तक मैं एक सेकंड में इसको ब्लास्ट कर देता हूँ। क्या हुआ, देखने तो जा कम से कम। लो इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, देखने तो जा। शिट यार, पूरे पागल हैं यहाँ के बॉडीगार्ड्स। मैं सिंपली इनको किल करता हूँ, वही ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर बुलाता हूँ। आया गया, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा ब्लास्ट करके यहाँ पर बुलाता हूँ इसको। हद होती है, एक सेकेंड, हीट के जरिए इजीली इसको किल कर दूंगा मैं, लेकिन ऐसा नहीं चाहता मैं, ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना चाहता हूँ। बट ये आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। चलो जा, यस थोड़ा और आगे बढ़। चलो इसको मैं फायर करता हूँ, आगे बढ़ आगे। अरे ये एक चीज़ को देखता है, उसको देखते ही रह जाते हैं, क्या है? मैं इनको यहाँ लाना चाहता हूँ, सिंपली यहाँ पर आ जाइए। कोई इफेक्ट ही नहीं है, सिंपली किल करना ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। छोड़ो, परेशान नहीं करता ज़्यादा। ओके चलो, मैं इसको यहाँ पर बुलाता हूँ। ओके अब गया गया अब गया, अब यहाँ पर आएगा ये। ये आया, बॉडी तो नहीं मिल गया उसको, ये रहा बॉडी मिल गया उसको। पता तो नहीं चलेगा, लगता तो नहीं है। एक्सप्लोज, ओके ये आगे बढ़ेगा। अच्छा उसको करने देते हैं, रिलोड कर लेता हूँ तब तक। और अब उसके बाद उसको उसको एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड इसको वो दबाते हैं ज़रा। ओके वहाँ से हटते ही मेरे को यहाँ पर इसको फायर करना है, ताकि वो यहाँ पर आ जाए। ओके लेट्स मूव, जस्ट थोड़ा सा इस साइड आ रही, इस साइड आ। इसको ऐसी ब्लास्ट कर देना ज़्यादा बेटर है। छोड़ो ये बहुत पागल बॉडी गार्ड्स हैं, सभी के सभी बिल्कुल बेवकूफ़। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो फट रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है।
ये देखो ऊपर वाले बिल्कुल देख रहे हैं बस, कुछ नहीं, मरने दो उसको। क्या पागल वो है। उसके बॉडी को मैं यहाँ पर डंप करना चाहता हूँ, इसको साउंड करता हूँ, लेट्स गो। चल 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 चल, निकल 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 निकल, लगा झटका चार सौ चार छोड़ का। चलो ऐसे ख़त्म करते हैं। ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बाकी ज़रा देख लेते हैं यहाँ पर। मैं एक सेकंड वो करके इस स्कोप को हटा के पहले देख लेता हूँ यहाँ पर कितने एनिमीज बचे हुए हैं। सिर्फ दो एनिमीज बचे हुए हैं, इसलिए मैं उनको किल कर लूँ। नहीं, सिंगल एनिमी है। हाँ, बॉडी को मैं यहाँ पर डंप कर दूँगा। चल आजा, बस यहाँ पर इस विंडो के पास खड़े हो जा। ये लो ख़त्म, परफेक्ट बॉडी डिस्पोजल। किसी को पता भी नहीं चला, मैंने अपना पूरा काम इजीली कर दिया। लेकिन ऑब्जेक्ट्स का जो यूज़ था ना, वो मैं नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट्स का यूज़ नहीं हुआ, लेकिन नहीं, हमारे अपना टारगेट जो था उसको किल कर दिया मैंने। फर्स्ट कॉन्टैक्ट तो कंप्लीट हो चुका है, सेकंड कॉन्टैक्ट। फर्स्ट कॉन्टैक्ट में वैसे मैंने पूरी तरह से यूज़ नहीं किया है, सेकंड कॉन्टैक्ट, थर्ड, फिर फोर्थ। सो गाइस, इस एपिसोड के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।